अपने भावपूर्ण अभिनय के जरिए भावनाओं के कई कई रंगों को छलकाने वाली यह अभिनेत्री आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इस गीत के अनुरूप ही यह अभिनेत्री फिल्म प्रेमियों की यादों में आज भी कभी कली तो कभी सबा बनकर महक रही हैं। और अभिनय जगत को महका रही हैं। इस अदाकारा ने कभी देवदास की पारो बनकर तो कभी फिल्म आंधी की इंदिरा गांधी सरी की दृढ़ और ताकतवर महिला राजनीतिज्ञ आरती देवी बनकर तो कभी फिल्म मुसाफिर की धीर गंभीर शकुंतला बनकर तो कभी बंबई का बाबू की बिंदास माया बनकर और कभी सप्तपति की चंचल शोक रीना ब्राउन बनकर हर तरह के किरदारों को जीवंत किया। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी में भूला है दिल का सलोना, बंबई से आया है। मूड और माहौल की गहरी समझ रखने वाली यह अभिनेत्री भारतीय सिनेमा की उन चंद अभिनेत्रियों में से थी जिन्होंने ग्लैमर की चकाचौंध में अपने जमीर को जगाए रखा। इतना अहंकार क्यों ना हो, तुम अहंकार कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। आज की पीढ़ी भले ही उन्हें रईमा या रिया सेन की नानी के तौर पर जाने, लेकिन वह भी क्या जमाना था जब सुचित्रा सेन की एक सनसनी थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब अपने करियर के चरम को छोड़कर एकांत जीवन और बिल्कुल सादा जीवन अपना लिया। बेहद कम भोजन करना, संकरे बिस्तर में कड़े गद्दे पर सोना, सूती साड़ी पहनना, धार्मिक संगीत सुनना और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना, उन्होंने अपनी दुनिया एक फ्लैट के अंदर समेट ली थी। बाहर के लोगों से अपने आप को पूरी तरह से काट लिया था। तन्हा जीवन अपनाने के बाद वह केवल एक बार घर से निकलकर नंगे पाव चलकर बेलूर मठ पहुंची थी। इस वीडियो में जीवन में भयानक उतार चढ़ाव वाली इसी अभिनेत्री के बारे में दुर्लभ जानकारियां देने जा रही हूं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट नंदिनी फिल्मों गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित हमारे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सुचित्रा सेन का जन्म 6 अप्रैल 1931 को बंगाल के पबना जिले में हुआ था, जो कि अब बांग्लादेश में पड़ता है। सुचित्रा सेन के पिता करुणा मोय दास गुप्ता एक स्थानीय स्कूल में हेडमास्टर थे। सुचित्रा सेन 3 भाई और 5 बहनों में 5वें नंबर पर थी। उनकी माँ का नाम इंदिरा था। सुचित्रा सेन अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद इंग्लैंड चली गई और समरविले कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड से अपना ग्रेजुएशन किया। 1947 में बंगाल के जाने माने बिजनेसमैन और कलकत्ता के बार एट लॉ आदिनाथ सेन के बेटे दीवानाथ सेन के साथ उनकी शादी कर दी गई। उस समय सुचित्रा सिर्फ 15 साल की थी। सुचित्रा को एक्टिंग का शौक था और वह पर्दे पर काम करना चाहती थी। उनकी यह ख्वाहिश शादी के 5 साल बाद पूरी हुई। सुचित्रा सेन ने साल 1952 में बांग्ला फिल्म शेष कोथा से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इसमें उनके साथ उत्तम कुमार थे। इस फिल्म के लिए जब स्क्रीन टेस्ट हुआ तो नीतीश रॉय नामक सहायक निर्देशक ने उन्हें नया नाम दिया, सुचित्रा। लेकिन यह फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई। लेकिन उसी साल उनकी एक और बांग्ला फिल्म सारे चतुर रिलीज हुई थी। यही फिल्म उनकी डेब्यू फिल्म कही जाती है। उसके बाद उन्होंने उत्तम कुमार के साथ कई फिल्में की। बांग्ला फिल्मों के पहले सुपरस्टार उत्तम कुमार के साथ उनकी रोमांटिक जोड़ी लगभग 2 दशक तक चली। सिल्वर स्क्रीन पर कोई रोमांटिक जोड़ी शायद ही इतनी लंबी चली हो। सुचित्रा की कुल 61 फिल्मों में 30 उत्तम कुमार के साथ थी। सुचित्रा बंगाल सिनेमा तक ही सिमट कर नहीं रही। उनकी अदाकारी के चर्चे बॉलीवुड तक भी पहुंच चुके थे
और हिंदी सिनेमा के कई बड़े बड़े निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। हिंदी सिनेमा में सुचित्रा सेन की धमाकेदार एंट्री हुई बिमल रॉय की फिल्म देवदास से। साल 1955 में रिलीज हुई देवदास सुचित्रा सेन के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। तुम्हारे माता पिता हैं और मेरे नहीं हैं, उनके राजी होने या ना होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं, लेकिन उन्हें तो इस बात से इनकार नहीं है ना। बिल्कुल इनकार है। अपने करियर की पहली ही हिंदी फिल्म में सुचित्रा को सुपरस्टार दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिल गया था। इस फिल्म में दिलीप कुमार ने देव और सुचित्रा ने पारो का किरदार निभाया था। यह फिल्म भारतीय दर्शकों को बेहद पसंद आई और देखते ही देखते सुचित्रा बॉलीवुड इंडस्ट्री की भी बड़ी स्टार बन गई। इस फिल्म के बाद सुचित्रा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देवदास के बाद उनके पास फिल्मों के ऑफर्स की लाइन सी लग गई थी। सुचित्रा सेन ने इस दौरान कई हिट फिल्मों में काम किया और अपनी अदाकारी से हर किसी को प्रभावित कर टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गई। सुचित्रा सेन फिल्मों में अपनी फीस को लेकर भी सुर्खियों में रहीं। बताया जाता है कि सुचित्रा सेन को साल 1962 में एक फिल्म बिपाशा के लिए 1,00,000 रुपये मिले थे, जबकि फिल्म के हीरो उत्तम कुमार को केवल 80,000 रुपये मिले थे। हालांकि सुचित्रा सेन के लिए अभिनय ना कारोबार था ना वक्त काटने का जरिया, वे इसे कलात्मक आईना मानती थी देता था। फिल्में चुनने के मामले में वह इस कदर सतर्कता बरतती थी कि उनकी समकालीन अभिनेत्रियों को हैरानी होती थी। सत्यजीत रॉय और राज कपूर की फिल्मों के प्रस्ताव उन्होंने यह कहकर नकारे कि वे ऐसे किरदारों में नहीं उतरना चाहती जिनमें सहजता तथा सुकून की गुंजाइश ना हो। उन्होंने मुसाफिर, हॉस्पिटल, मुंबई का बाबू, ममता और आंधी जैसी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा देवदास और आंधी फिल्म में पसंद किया गया। सेन ने 1975 में रिलीज हुई फिल्म आंधी से अपनी एक अलग छाप छोड़ी। इस फिल्म में सुचित्रा ने इतना जबरदस्त अभिनय किया था कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामित किया गया था। हालांकि सुचित्रा तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नहीं चुनी गई, लेकिन फिल्म के उनके साथी कलाकार संजीव कुमार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जरूर बन गए। जब भी विवादित फिल्मों की बात की जाती है तो इस फिल्म का जिक्र जरूर होता है, जिसे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की तरफ से खुद बैन करवा दिया गया था। सुचित्रा सेन को एक दृढ़ महिला राजनीतिज्ञ के रूप में पेश करने वाली फिल्म आंधी ने तत्कालीन सत्ताधारी कांग्रेसी नेताओं के तेवर इस कदर तीखे कर दिए थे कि करीब 20 हफ्ते तक सफलतापूर्वक चलने के बाद फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई थी। इसकी वजह थी फिल्म की नायिका आरती देवी की सूती साड़ी और सिर के सफ़ेद बाल काफ़ी कुछ इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व से मेल खा रहे थे। और इस फिल्म में सुचित्रा सेन को तस्वीरों में सिगरेट और शराब पीते दिखाया गया था। फिल्म में दर्शकों को विदेश में पढ़ी और एक कद्दावर कारोबारी की फायर ब्रांड बेटी जो राजनीति में अपने लिए ऊंची जगह बनाना चाहती थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच काफ़ी समानता दिखी। हालांकि इस फिल्म में कहीं भी इंदिरा गांधी या उनके करियर का जिक्र नहीं था, फिर भी फिल्म को उनकी कुर्सी और छवि पर खतरा मानते हुए कांग्रेस पार्टी ने फिल्म को बैन कर दिया था। यह फिल्म बैन होने के बाद नेशनल इशू बन गई थी। इसके बाद इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई थी और जनता दल पार्टी ने इस फिल्म को 2 बार रिलीज करवाया था। और जब बैन हटा तो यह फिल्म सुचित्रा सेन की जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म बन गई थी। हालांकि बाद में आंधी फिल्म के निर्देशक गुलजार ने बताया कि आरती देवी की शख्सियत मुख्य रूप से तारकेश्वरी सिन्हा से प्रभावित थी। तारकेश्वरी सिन्हा बिहार से कांग्रेस की सांसद थी और बताया जाता है कि इंदिरा गांधी उन्हें बेहद नापसंद करती थी।
नेहरू कैबिनेट की युवा मंत्री तारकेश्वरी सिन्हा की फिरोज गांधी के साथ नजदीकियां इंदिरा गांधी को नापसंद थी। आंधी के बाद सुचित्रा को लेकर फिल्म बनाने के लिए कई फिल्मकार उत्सुक थे, लेकिन अपना रोल पसंद ना आने की वजह से सुचित्रा ने कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। उधर उनके पारिवारिक रिश्ते असहज हो चुके थे। कहा जाता है कि शादी के कुछ वक्त बाद ही सुचित्रा और दीवानाथ के रिश्ते में कड़वाहट बढ़ने लगी थी। दरअसल सुचित्रा गजब की खूबसूरत महिला थी, ऊपर से वह बुलंदियों को छू रही थी, तो वहीं दीवानाथ सेन भी बेहद अमीर बिजनेसमैन थे। दोनों को ही अपनी खूबियों पर जबरदस्त गुमान था, जिसकी वजह से सुचित्रा और दीवानाथ के बीच बन नहीं पाई। दीवानाथ को शराब पीने और जुआ खेलने की भी आदत थी। शादी के कुछ वक्त बाद ही दीवानाथ अमेरिका में जा बसे थे और 1969 में एक दुर्घटना में उनकी असामायिक मौत हो गई। वही पति को खो देने के बाद सुचित्रा अपने फिल्मी करियर में ही पूरी तरह से रमी रही और 8 साल तक फिल्मों में काम करती रही। उन्होंने दोबारा शादी का कभी नहीं सोचा। बेटी मुनमुन की परवरिश कर उसे अभिनेत्री बनाया, लेकिन साल 1978 में सौमित्र चैटर्जी के साथ आई उनकी बांग्ला फिल्म प्रणय पाश फ्लॉप क्या हो गई, उन्होंने फिल्मों से संन्यास लेने का फैसला कर लिया। उन्होंने घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया था। वह रामकृष्ण मिशन में शामिल हो गई थी। इसके बाद तो वह बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट गई थी। बेहद कम खाना, संकरे बिस्तर में कड़े गद्दे पर सोना और सूती की साड़ी पहनना, उन्होंने बिल्कुल सादा जीवन अपना लिया था। कहा जाता है कि बेटी मुनमुन सेन और नतनों रिया और राइमा सेन को भी उनसे मिलने की इजाज़त लेनी पड़ती थी। सुचित्रा को 1978 के बाद सिर्फ एक बार घर से निकलकर सार्वजनिक जगह पर देखा गया। जब वह रामकृष्ण मिशन के भरत महाराज की मृत्यु पर नंगे पांव चलकर बेलूर मठ पहुंची थी। साल 2005 में सुचित्रा को जब हिंदी सिनेमा के सबसे उच्च सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए जाने का ऐलान हुआ था, तब उन्होंने यह अवार्ड सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि वह मीडिया अटेंशन और लोगों की नज़रों से दूर रहना चाहती थी। खामोशी, तन्हाई और अकेलेपन के बीच जी रही सुचित्रा सेन का 17 जनवरी 2004 को 82 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया था। तब वह लंबे वक्त से लंग इन्फेक्शन से भी पीड़ित थी। उनकी तुलना अक्सर हॉलीवुड की ग्रेटा गाबरे से की जाती थी, जिन्होंने इसी तरह चमक दमक के बीच फिल्मी ग्लैमर को अलविदा कह दिया था और लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। सुचित्रा ने सिर्फ 7 हिंदी फिल्मों में काम किया था, जबकि उन्होंने 53 बांग्ला फिल्मों में काम किया था। उन्होंने अपनी अलौकिक सुंदरता और बेहतरीन अभिनय के दम पर लगभग 3 दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। कानन देवी के बाद बंगाली सिनेमा की कोई अन्य नायिका सुचित्रा की तरह प्रसिद्धि हासिल नहीं कर पाई थी। श्वेत श्याम फिल्मों के युग में सुचित्रा के जबरदस्त अभिनय ने उन्हें दर्शकों के दिलों की रानी बना दिया था। उनकी प्रसिद्धि का आलम यह था कि दुर्गा पूजा के दौरान देवी लक्ष्मी और सरस्वती की प्रतिमाओं के चेहरे सुचित्रा के चेहरे की तरह बनाए जाते थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। सुचित्रा सेन के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी।